बेंगलुरु। राज्य सरकार ने 4 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से कर्नाटक के लोकायुक्त, बेंगलुरु ग्रामीण, हासन और मैसूर जिलों में कार्यरत 4 पुलिस अधीक्षकों का तबादला करने का आदेश जारी किया गया है। पीएसआई की अवैध भर्ती। 545 पीएसआई की अवैध भर्ती के मामले में गिरफ्तार अमृत पॉल को फिर 3 दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 32 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। कर्नाटक के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु। बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर हिंदू समूहों का विरोध। निवासियों का कहना है कि उपयोग पर कोई संघर्ष नहीं है। ईदगाह मैदान पर स्वामित्व विवाद हाल ही में तेज हो गया है, जब हिंदू संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, गणेश चतुर्थी और स्वतंत्रता दिवस समारोह की मेजबानी करने की अनुमति मांगी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते राजी। वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मार्च में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई है। बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीबीएमपी वृक्ष अधिकारी को निर्देश दिया कि वो प्रतिपूरक वृक्षारोपण और पेड़ों के स्थानांतरण के संबंध में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। कर्नाटक बाढ़। प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों, बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, जिले में हुए नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद हम राहत कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध करेंगे। बलात्कार, ब्लैकमेल और हत्या। बेंगलुरु में एक जोड़े ने गुटखा विक्रेता की हत्या कर दी। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में एक 23 वर्षीय विवाहित महिला के साथ एक गुटखा विक्रेता ने बलात्कार किया और उसे ब्लैकमेल किया, जिसे एक महिला ने उसके पति के साथ मिलकर मार डाला। दंपति ने गुटखा विक्रेता की हत्या की, शव को सीमेंट की थैली में लपेटकर कूड़ेदान के पास फेंक दिया। मृतक की पत्नी को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उसने हत्या देखी लेकिन पुलिस को सूचित नहीं किया। आरोपी दंपति और हत्या किए गए व्यक्ति का परिवार उत्तर भारत से है। बेंगलुरु में सेंट जोसेफ कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। 1882 में स्थापित सेंट जोसेफ कॉलेज कर्नाटक के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, जिसे सोसाइटी ऑफ जीसस के कर्नाटक प्रांत द्वारा प्रबंधित किया जाता है।